फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट। जिस चीज को मना करा जाता है, ऐसा फल जिसको मना कर दिया गया है वो हमेशा मीठा होता है। जिस चीज को भी आपको मना कर दिया जाए उसी में आपको मजा आने लगेगा। जैसे डायबिटीज के रोगी को मीठे को मना करा जाता है वो मीठा ही खाना पसंद करता है। जिस चीज को मना कर दिया जाए वही चीज खाने को मन करता है। फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट। आज मैं ऐसी चीज लाया हूं जिसकी सार्वजनिक जीवन में, रोजाना के जीवन में बेहद जरूरत होती है और 99% लोग जानते नहीं है। देखें किराया, किराया, किराया की अंग्रेजी क्या होती है, किराए की। रेंट सब जानते हैं, बोले हम भी जानते हैं, सर कह रहे हैं 99% लोग नहीं जानते। देखें आप, रेंट ये क्रिया भी है, नाउन भी है, अर्थात वर्ब भी है, नाउन भी है। आई हैव रेंटेड दिस हाउस, मैंने ये मकान किराए पे ले लिया है। आई हैव रेंटेड दिस रूम, मैंने ये रूम किराए पे ले लिया है। ये तो वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल हो गया। अब देखें मकान का किराया हाउस रेंट, दुकान का किराया शॉप रेंट, कमरे का किराया रूम रेंट, ऑफिस का किराया ऑफिस रेंट, इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी। मैंने मकान का किराया पहले ही दे दिया, मुझे क्या फिक्र है, मैंने पहले ही दे दिया। आई हैव ऑलरेडी पेड माई हाउस रेंट, इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी, नाउन के बतौर पर मैंने यहां इस्तेमाल किया। तो ये अब आप सोचते हैं कि रेंट हर जगह चलेगा, जैसे रूम है तो रूम के साथ भी, हाउस के साथ भी, सबके साथ यही चलेगा, अब रेंट लगाओ। नहीं नहीं, दूसरी अंग्रेजी देखिए जो अलग चलेगी, हायर। हायर शब्द घोड़े का किराया, बोट का किराया यानी नाव का, साइकिल का किराया, कई बार स्कूटर मोटरसाइकिल तो ले लेते हैं लोग किराए पे, तो उसका किराया अलग अंग्रेजी बनेगी, हायर। देखें व्यक्तिगत वाहन, व्यक्तिगत, जैसे घोड़े का किराया हायर ऑफ ए हाउस, हायर ऑफ ए बोट, हायर ऑफ ए साइकिल, साइकिल तो बच्चों के लिए किराए पर मिलती ही है, हायर ऑफ ए मोटरसाइकिल, कई जगह मोटरसाइकिल भी किराए पर मिलती है, इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी, हायर ऑफ ए टैक्सी। देखें किराए पर लेना टू हायर, यानी वर्ब भी है और नाउन भी है। आई हायर्ड ए बोट, ए टैक्सी, ए टेम्पो, किस तरीके, थ्री व्हीलर, कुछ भी कह सकते हैं। तो ध्यान रहे इसमें डिफरेंस होता है अंग्रेजी में। अब बस, रेल, जहाज का किराया, उसकी अंग्रेजी, ये सार्वजनिक वाहन, इसमें कोई भी बैठ सकता है, वो प्राइवेट है, व्यक्तिगत वाहन है, मैंने लिख भी दिया है। तो इस तरीके से बस, रेल, जहाज, चाहे हवाई जहाज हो और चाहे पानी का जहाज हो। फेयर अंग्रेजी आई, एफ ए आर ई, फेयर, समझ लें, इसको 99% लोग इस अंतर को जानते ही नहीं है। बस फेयर, बस का किराया, रेलवे फेयर, रेल किराया, शिप फेयर, शिप का किराया, एरोप्लेन फेयर, एरोप्लेन का किराया। आई विल पे योर बस फेयर, तुम्हारा किराया मैं दूंगा, बस का किराया तुम्हारा मैं दूंगा, मैं अपने आप देखूंगा, कंडक्टर से बात कर लो, तुम बेफिक्र रहो, मैं देखूं। Who paid your railway fare? तुम्हारा रेलवे का किराया, रेल का किराया दिया किसने? तुम्हारे पास तो पैसे थे ही नहीं। Who paid your railway fare? तीसरा सेंटेंस देखें। Why will I pay your ship fare? भैया तुम्हारे जहाज का किराया मैं क्यों दूंगा? मुझे क्या पड़ी है? Why will I pay your ship फेयर? कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।